After discussing assignment operators, we are moving onwards conditional operators in C-Level. Now next one, conditional operators. What is the use of conditional operator? If you want to perform any operation or if you want to execute any expression based on conditions, then you should use conditional operator. Generally, conditional operator ka use kya hai? अगर किसी भी टाइप का ऑपरेशन कंडीशन के बेस पर परफॉर्म कराना है या फिर कोई भी एक्सप्रेशन कंडीशन के बेस पर एग्जीक्यूट करना है या कोई भी फंक्शंस कंडीशन के बेस पर कॉल करना है, इन सभी सिचुएशंस में आप यूज करोगे कंडीशनल ऑपरेटर। जनरली कंडीशनल ऑपरेटर्स आर टू परफॉर्म सम ऑपरेशंस बेस्ड ऑन कंडीशंस। सिंस इट हैज रिक्वायर्ड थ्री ऑपरेंड्स, देयरफॉर इट कम्स अंडर टर्नरी ऑपरेटर। मीन्स कंडीशनल ऑपरेटर के केस में टोटल थ्री ऑपरेंड्स रिक्वायर्ड होंगे, ऑपरेंड वन, टू एंड ऑपरेंड थ्री, देयरफॉर इट इज टर्नरी ऑपरेटर। व्हाट इज द ऑपरेंड पार्ट फॉर दैट ऑपरेटर्स? लेट्स सी लाइक दैट। कंडीशनल ऑपरेटर विल बी रिप्रेजेंटेड बाई कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिम्बॉल्स, क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन। Whatever comes before question mark is considered as operand 1. Whatever comes between question mark and colon considered as operand 2. Similarly, whatever comes after colon up to highest priority comes under third operand. Next one. Sir, which types of operands are required in which places? In that case, first operand must be any relational condition or logical condition or maybe zero or non-zero numbers. Zero or non-zero numbers. Means finally, C language ke case mein already explain kar chuke hain. In case of zero, condition is treated as false. In case of non-zero numbers, condition is evaluated as true. Same as in that case. अगर conditional operator के इसमें conditions के place पर या तो कोई भी relational या logical expression पढ़ गया या फिर directly any zero और non-zero number, इन सभी केस में execute क्या हुआ? Means conditional operator सबसे पहले condition check करेगा। Conditions के केस में possible two possible cases होंगे, या तो condition true हुआ या condition false हुआ। If condition is true, इस केस में मैंने supply क्या किया? Two expression, expression one, expression two. Expression one will be executed whenever condition is true. अगर एक condition true है, जैसे two possible case होंगे, either condition is true, in case of true, expression first expression will be solved or we can say true expression will be evaluated. Then, इस केस में रिजल्ट भी सभी ऑपरेटर रिजल्ट प्रोड्यूस कर दें। इस केस में रिटर्न क्या हो? या तो रिजल्ट फ्रॉम ट्रू एक्सप्रेशन या फिर रिजल्ट फ्रॉम फॉल्स एक्सप्रेशन। अगर कंडीशन ट्रू है देन रिजल्ट किस प्लेस रिटर्न होगा? फ्रॉम अ ट्रू एक्सप्रेशन। इफ कंडीशन इज फॉल्स देन रिजल्ट इज रिटर्न बाई फॉल्स एक्सप्रेशन। मीन्स या तो रिजल्ट ट्रू एक्सप्रेशन से रिटर्न होगा या फिर फॉल्स एक्सप्रेशन। मीन्स एनी टाइम या तो एक्सप्रेशन वन एग्जीक्यूट होगा या फिर एक्सप्रेशन टू एग्जीक्यूट। दोनों एक्सप्रेशन का एग्जीक्यूशन कभी एक साथ पॉसिबल नहीं हो बेस्ड ऑन कंडीशंस। अगर कंडीशन ट्रू है देन रिजल्ट इज रिटर्न्ड बाय एक्सप्रेशन वन। इफ कंडीशन इज फॉल्स देन रिजल्ट इज रिटर्न्ड बाय एक्सप्रेशन टू। क्लियर? दिस इज प्रॉपर्टी अबाउट टर्नरी ऑपरेटर। फर्स्ट ऑपरेंड मस्ट बी कंडीशन, सेकेंड ऑपरेंड मस्ट बी ट्रू एक्सप्रेशन, थर्ड ऑपरेंड मस्ट बी फॉल्स एक्सप्रेशंस। लेट्स सी सम बेसिक्स एग्जांपल अबाउट टर्नरी और कंडीशनल ऑपरेटर। इन दैट केस सपोज दैट वी आर हैविंग सम एक्सप्रेशन टू नंबर्स एक्स एंड वाई। देयर आर टू नंबर्स आर अवेलेबल एक्स एंड वाई। वैल्यू ऑफ एक्स वाई विल बी रीडेड बाय यूजिंग स्कैनर फंक्शन। मींस परफॉर्म करना हाउ टू आइडेंटिफाई विच वन इज लार्जेस्ट आउट ऑफ देम टू नंबर्स। इस केस में आइडेंटिफाई करना मैं क्या चाहता हूँ, इसमें से लार्जेस्ट नंबर्स का वैल्यू डिस्प्ले कराना आउट ऑफ एक्स एंड वाई। लार्जेस्ट के केस में डायरेक्टली ऑब्जर्व करना पॉसिबल विच वन इज लार्जेस्ट, बिकॉज इट्स वैल्यू और बिहेवियर विल बी डिपेंड्स अपॉन रन टाइम। नेक्स्ट, तो सबसे पहले अप्लाई क्या करें? सम रिलेशनल एक्सप्रेशन
x greater than y, if this condition is true, अगर condition true है तो true किसके लिए होगा, which one is larger, x or y, अगर x का value y से बड़ा है, then condition क्या आएगा, true, true है तो इसके इसमें display क्या कराएंगे, value of x, otherwise, अगर condition false है, then false के केस में charge किसको मिलेगा, false के केस में larger कौन होगा, x और y, y, if y is large, then इसके इसमें written क्या कराएंगे, value of y, then जो भी इसका value है, डायरेक्टली वैल्यू प्रिंट एप के थ्रू भी डिस्प्ले कराना पॉसिबल लाइक दैट प्रिंट एप परसेंट डी देन दैट एक्सप्रेशंस लाइक दैट इस तरह से कंडीशंस के बेसिस पर ऑपरेशंस परफॉर्म करना पॉसिबल हुआ सबसे इंपॉर्टेंट केस क्या है आइडेंटिफाई प्रॉपरली इट्स ऑपरेंड पार्ट लेट्स सम वी आर डिस्कसिंग सम एग्जांपल रिलेटेड टू कंडीशनल ऑपरेटर्स देन वी आर डिस्कसिंग मच मोर प्रोग्राम्स रिगार्डिंग कंडीशनल ऑपरेटर्स